आगे बढ़ते हैं। मथुरा जिले में वृंदावन नगर पालिका परिषद और बरसाना नगर पंचायत को पवित्र तीर्थ स्थल घोषित किया गया है। इम्पोर्टेंट है ये राज्य का पहला दो पवित्र तीर्थ स्थल होगा। उत्तर प्रदेश का पहला दो पवित्र तीर्थ स्थल कौन सा होगा? एक वृंदावन नगर पालिका परिषद और दूसरा बरसाना नगर पंचायत, याद रखेंगे। दोनों मथुरा जिले में है। कविनगर गाजियाबाद, इसमें कैलाश मानसरोवर यात्रा भवन का शिलान्यास हुआ है, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने किया। जगह याद रखेंगे कविनगर गाजियाबाद। लखनऊ में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का पहला आवासीय कार्यालय खोला गया, उद्घाटन हुआ, किसने किया? गृह मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी ने। गोमती नगर में लखनऊ में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का पहला आवासीय कार्यालय। देश की पहली जैव ईंधन चालित बस कहाँ पे? गोवा में शुरू हुई। देश की पहली जैव ईंधन चालित बस, तीन ऐसी बसें शुरू हुई गोवा में। देश में पहली बार इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का सार्वजनिक परिवहन कहाँ पर शुरू हुआ? नागपुर में, बताया था ना मैंने आपको। न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसी को ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं। ब्रिक्स बैंक का एक्चुअली ऑफिशियल नेम क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका पहला क्षेत्रीय कार्यालय जोहानसबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। देखिए, एक तो होगा मुख्यालय, दूसरा होता है क्षेत्रीय कार्यालय, तो मुख्यालय इसका संघाई में है। संघाई क्या चाइना की राजधानी है? नहीं, चाइना की राजधानी में तो चाइना का जो बैंक है उसकी उसका मुख्यालय है। ब्रिक्स बैंक को उसने संघाई में रखा है। चाइना का मुख्यालय, चाइना की राजधानी बीजिंग है। ये प्रश्न आईएएस में आया था कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय बीजिंग में है, गलत है, संघाई में है। केवी कामत इसके प्रमुख हैं। चीन द्वारा विदेश में स्थापित पहला सैन्य अड्डा जिबूती, जिबूती की स्पेलिंग टी से शुरू होती है, याद रखिएगा। जिबूती कहाँ पर है? ये देखिए, ये हो गया आपका अफ्रीका और ये हो गया एशिया। यहीं पे बीच, यहाँ पे आपका रेड सी है, ठीक है, रेड सी इधर गल्फ ऑफ अदन है, बीच में बाब अल मंदेब स्ट्रेट है, स्ट्रेट बाब अल मंदेब, बाब अल मंदेब जिबूती, जिबूती और सऊदी अरेबिया को अलग करता है। ये सब मैप में देख लीजिएगा। एपीजे अब्दुल कलाम की स्मृति में रामेश्वरम में एक स्मारक खोला गया। पूर्व राष्ट्रपति मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम की स्मृति में रामेश्वरम, कहाँ पर है रामेश्वरम? तमिलनाडु में, उसी के आसपास इनकी क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। WHO ने सोमालिया को पोलियो मुक्त घोषित किया, इम्पोर्टेंट है ये। हाल ही में किस देश को WHO ने पोलियो मुक्त घोषित किया? सोमालिया। ये कहाँ पर है? अफ्रीका में है ये देश, ईस्टर्न अफ्रीका में। भारत 2014 में पोलियो मुक्त घोषित हो चुका है ऑलरेडी। ताजमहल पैलेस होटल कहाँ पर है? मुंबई में। इसको विश्व की प्रमुख ट्रेडमार्क इमेज का दर्जा दिया गया, याद रखेंगे ये चीज। अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ, जिसको बोलते हैं APJ अब्दुल कलाम AK टेक्निकल यूनिवर्सिटी। टेक्निकल का प्राविधिक होता है, टेक्निकल का तकनीकी होना चाहिए, लेकिन अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय होता है, मार्कशीट में प्राविधिक लिखा रहता है। लखनऊ 2002 में स्थापित हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी का की स्थापना कब हुई थी? 2000 में हुई थी, याद रखेंगे। तो इसके नए परिसर का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। आईसिस, आईसिस क्या है? ये एक आतंकी संगठन है, इराक और सीरिया में सक्रिय है। इसने अल नूरी मस्जिद और इसकी एक झुकी हुई मीनार है अल हदबा इराक में, इसको विस्फोट से नष्ट कर दिया। आपसे पूछ लिया जाएगा कि अल नूरी मस्जिद और मीनार अल हदबा कहाँ पर थे? इराक में। वैसे तो ये कम इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर भी याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। तेलंगाना 2018 से कृषि बजट पेश करेगा, ऐसा हाल ही में कौन सा राज्य जिसने घोषणा की कि वो 2018 से कृषि बजट को अलग से पेश करेगा? दैट इज तेलंगाना। देश का सबसे बड़ा ग्लोबल स्किल पार्क, इम्पोर्टेंट है ये भी, भोपाल में। भोपाल में और एक चीज़ हुआ था, बताइए, ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग से टॉयलेट खोला गया। देश का पहला मवेशी ब्लड बैंक उड़ीसा में मंजूरी मिली।
राष्ट्रीय कृषि विकास कार्यक्रम के तहत देश का पहला मवेशियों के लिए ब्लड बैंक, देश का सबसे ऊंचा एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर। एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर क्या करता है, वो जो हवाई जहाज उड़ते हैं और मतलब लैंड करते हैं उनको सिग्नल वगैरह प्रदान करने का एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर होता है। ऐसा देश में सबसे ऊंचा IGI दिल्ली में बन रहा है। तो खैर महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण खबर अगली है कि जर्मनी समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला 23वां देश है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। छत्तीसगढ़ में 50 लाख लोगों द्वारा एक साथ योगाभ्यास कर विश्व कीर्तिमान बनाया गया, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। इंपॉर्टेंट है ये, छत्तीसगढ़ में 50 लाख लोगों द्वारा एक साथ योगाभ्यास कर विश्व कीर्तिमान बनाया गया। भारत H5N1 और H5N8 एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्त घोषित हो गया है। एवियन इन्फ्लुएंजा में जिसमें H5N1 और H5N8 दोनों आते हैं, इससे मुक्त घोषित हो गया है। हाल ही में एथेंस को वर्ल्ड बुक कैपिटल घोषित किया गया 2018 के लिए। 2018 के लिए तो एक साल पहले घोषित कर दिया गया था, हाल ही में शारजा को वर्ल्ड बुक कैपिटल घोषित किया गया 2019 के लिए। ये इम्पोर्टेंट, शारजा ज़्यादा है, यूनेस्को नामित करता है, यूनेस्को इस चीज़ को नामित करता है। एथेंस को तो 2018 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल हो, लेकिन शारजा को अभी घोषणा हुई कि 2019 का बुक कैपिटल होगा। भारत का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर एक्वेरियम मछलीघर कहाँ पे है, रांची झारखंड में। इम्पोर्टेंट है ये, भारत का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर एक्वेरियम मछलीघर रांची झारखंड में। अब कुछ और महत्वपूर्ण प्लेसेस देख लेते हैं। उत्तराखंड में पेरिस में सेकेंड ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट समिट में उत्कृष्टता पुरस्कार उत्तराखंड को मिला। हाल ही में किस भारतीय राज्य को सेकेंड ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट समिट में उत्कृष्टता पुरस्कार मिला, दैट इज उत्तराखंड। इंडोनेशिया ने अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी कि EEZ, अब इंडोनेशिया क्या है, विश्व का सबसे बड़ा आर्चिपिलागो है। आर्चिपिलागो मतलब द्वीप समूह, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, ऐसे है वो द्वीप समूह। ऊपर साउथ चाइना सी है, तो वहां पे चाइना से फिलीपींस से इनको लेकर के विवाद है, तो उस विवाद की वजह से उसने अपना जो EEZ है उत्तरी क्षेत्र का, उसका नाम बदल करके उत्तरी नतुना सागर कर लिया। इंपॉर्टेंट है, उत्तरी नतुना सागर कहाँ पे, मतलब ये जो साउथ चाइना सी है उसी का दक्षिणतम भाग या इंडोनेशिया के उत्तर का भाग, इसको उसने उत्तरी नतुना सागर कहा। वाराणसी में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र आइसरैक की स्थापना, ये इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न आ सकता है इस बार। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पर, वाराणसी में। कहाँ पे खोला गया, वाराणसी में, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र। तो यहाँ से दो तीन न्यूज निकलती है, एक तो राष्ट्रीय बीज अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, बनारस में। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ खोला गया, बनारस में, इसी में। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, मनीला फिलीपींस में। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका इक्वेटर प्राइज दिया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट, पूछ लिया जाएगा इक्वेटर प्राइज कौन देता है, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसने इक्वेटर प्राइज किसको दिया, पुणे को। पश्चिम बंगाल को, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, पश्चिम बंगाल को लोक सेवा पुरस्कार दिया, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा। क्यों दिया, पश्चिम बंगाल एक कन्याश्री प्रकल्प योजना चलाती है जो टारगेटेड कैश ट्रांसफर स्कीम है, ये इम्पोर्टेंट है। कन्याश्री प्रकल्प योजना किस कौन चलाता है, पश्चिम बंगाल, इसी के लिए उसको लोक सेवा पुरस्कार दिया गया। इसमें क्या होता है, गरीब महिलाओं को सुविधा देना, कौशल विकास कराना, बाल विवाह को रोकना, यही सब, बट आप कन्याश्री प्रकल्प योजना याद रखिएगा। एशिया की पहली वर्टिकल फॉरेस्ट सिटी, वर्टिकल फॉरेस्ट सिटी मतलब जितने फ्लोर होंगे उसमें, उन सब में फॉरेस्ट, फॉरेस्टेड कम्युनिटी फॉरेस्ट लगाया जाएगा, तो ऐसा नानसिंग ग्रीन टावर चाइना में। ठीक है, ये तो कुछ खास न्यूज़ नहीं है, बट फिर भी दिमाग में पड़ा रहना चाहिए, एक भी प्रश्न छूटने ना पाए, माइनस मार्किंग है। करंट से तो 30 से 35 सवाल आते हैं और आपको 90% क्वेश्चन करने हैं विद 100% इफिशियंसी। एक भी क्वेश्चन, जो भी करंट का क्वेश्चन करना है उसको गलत नहीं करना है, ना आए छोड़ दो, बेस्ट है। धीरूभाई अंबानी एरोस्पेस पार्क इंपॉर्टेंट है, मिहान, ये जगह है याद रखिएगा, मिहान EEZ नागपुर में, धीरू भाई अंबानी एरोस्पेस पार्क।
एयरोस्पेस पार्क मतलब उड्डयन पार्क, यहाँ पर हवाई जहाज वगैरह बनाया जाएगा। धीरू भाई अंबानी एयरोस्पेस पार्क मिहान में, देश का पहला गरीब नवाज कौशल विकास केंद्र हैदराबाद में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने उद्घाटन किया था देश का पहला गरीब नवाज कौशल विकास केंद्र हैदराबाद में। कपूरथला पंजाब में क्या हो रहा है, देश का पहला मक्का आधारित मेगा फूड पार्क के आधारशिला रखी गई। देश में पहले मक्का आधारित, मक्का क्या है, फूड क्रॉप है, फूड क्रॉप है, मेगा फूड पार्क की आधारशिला कपूरथला पंजाब में। मक्के की रोटी सरसों दा साग कहाँ मिलता है, पंजाब में, तो कपूरथला याद रखेंगे। दुबई माइक्रोसॉफ्ट फंड को प्राप्त करने वाला विश्व का पहला शहर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, दुबई माइक्रोसॉफ्ट फंड को प्राप्त करने वाला विश्व का पहला शहर है। देश का पहला पुस्तक गांव भीलर महाराष्ट्र, देश का पहला पुस्तक गांव भीलर महाराष्ट्र। देश की पहली एकीकृत जैव रिफाइनरी पुणे, सेकेंड जनरेशन रिफाइनरी है, ये इंपॉर्टेंट है, देश की पहली सेकेंड जनरेशन। तो अब ये सवाल उठता है कि फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन क्या होता है। देखिए फर्स्ट, ये जो जैव रिफाइनरी होती है, अगर इसमें सबसे पहले हम वेस्ट मटेरियल यूज़ करते थे, फिर हम क्या यूज़ करने लगे, फूड क्रॉप यूज़ करने लगे, तो इस तरह की जो सेकेंड जनरेशन एकीकृत जैव रिफाइनरी है वो पुणे में इसका उद्घाटन हुआ, मतलब अब बनाया जाएगा, उद्घाटन नहीं अब शिलान्यास बनाया जाएगा पुणे में। एक और जैव रिफाइनरी भटिंडा में खोली गई है, ठीक है, HPCL द्वारा। विश्व की सबसे बड़ी ऑप्टिकल और इंफ्रारेड दूरबीन का निर्माण चिली साउथ अमेरिका में हो रहा है। देखिए दूरबीन चिली में ही लगाया जाता है, क्यों, वहाँ पे अटाकामा डेजर्ट है, अटाकामा डेजर्ट है, वहीं पे लगाया जाता है इंटरफेरेंस रोकने के लिए। तो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड दूरबीन का निर्माण चिली साउथ अमेरिका में हो रहा है, सेरो अमेजेनस पर्वत चोटी पर। तो सवाल यहाँ से कई सारा बन सकता है, एक तो सेरो अरमाजोन्स, सेरो अरमाजोन्स पर्वत चोटी कहाँ पर है, चिली में, या चिली न दे करके साउथ अमेरिका दे दे, तो याद रखिएगा चिली साउथ अमेरिका में है, सेरो अरमाजोन्स चिली में है। ऑप्टिकल और इंफ्रारेड विश्व की सबसे बड़ी इस दूरबीन का निर्माण चिली में हो रहा है। और पर्वत चोटी भी क्यों हो रहा है, पर्वत चोटी हम आपको ये सब चीज़ समझा चुके हैं कि दूरबीन को जितना आप इसके पृथ्वी के वातावरण से दूर रखेंगे उतना इंटरफेरेंस कम होगा, और दूसरी बात उसको जितना ऊंचाई पर रखेंगे उतने और ऊंचाई तक वो देख सकेगी। देश का पहला एरोनॉटिक टेस्ट रेंज चित्रदुर्ग कर्नाटक में, लीची बिहार में बहुत होता है, प्रसंस्करण केंद्र का संयंत्र मुजफ्फरपुर बिहार में लगाया जा रहा है। बार्क मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर प्लस राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर में है इनकी मदद से। अगली खबर, धौला गांव हरियाणा में चालक प्रशिक्षण केंद्र, भारत सरकार एक योजना ला रही है जिसमें ड्राइवरों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तो इस तरह से एक ट्रेनिंग कॉलेज खोला जा रहा है धौला गांव हरियाणा में। तो स्किल डेवलपमेंट का एक यूनिवर्सिटी कहाँ खोला जा रहा है, कॉलेज इंस्टीट्यूट कहाँ खोला जा रहा है, भारत में पहला कानपुर में, प्रधानमंत्री शिलान्यास करके आए हैं। मोदी पर मनाया गया, ये इंपॉर्टेंट खबर है, कहाँ पर मनाया गया, मल्लेश्वरम कर्नाटक में। मोदी का फुल फॉर्म क्या है, मेकिंग ऑफ डेवलप्ड इंडिया, मोदी पर मनाया गया। भारत अमेरिका प्रशंसा दिवस, वाह, भारत अमेरिका प्रशंसा दिवस अमेरिका के कंसास राज्य द्वारा, भारत अमेरिका प्रशंसा दिवस क्यों मनाया गया, एक श्रीनिवास कुचिपुड़ा साहब थे उनको मार दिया गया हेट क्राइम में, तो उनके मतलब दिवंगत होने पर भारत अमेरिका प्रशंसा दिवस मनाया गया। किस शहर में मनाया गया, खाली शहर याद रखिए, कंसास शहर। देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज अटारी पाकिस्तान, मतलब भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे अटारी में देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज, ये तो आप सबने न्यूज़ पढ़ी भी होगी। NTPC द्वारा भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क, ये केरला के कायमकुलम में, कयाल क्या होता है, कयाल होती है ब्रैकिश वाटर लेक केरला में, जो लेक होती है उसको कयाल बोलते हैं। तो कायमकुलम केरला में देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क लगाया जा रहा है, ये तो हम आपको पढ़ा चुके हैं। केला उत्पादन में भारत नंबर वन है, और राज्यों में अगर देखेंगे तो महाराष्ट्र नंबर वन है, और केला अनुसंधान केंद्र कहाँ है, वैशाली बिहार में, इम्पोर्टेंट है। कुरुख भाषा, ये भी इम्पोर्टेंट है, कुरुख भाषा उरांव जनजाति पश्चिम बंगाल में है, जिसको पश्चिम बंगाल ने ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया। उर्दू को किसने ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया, सेकंड का तेलंगाना ने, तो कुरुख भाषा को किसने दिया, पश्चिम बंगाल ने।
उरांव जनजाति बोलती है इसको, क्यों संरक्षण करने के लिए दिया गया होगा, कुरुक जनजाति और कुरुक भाषा लुप्त हो रही होगी। इंटरनेट को लोगों के अधिकार के रूप में घोषित करने वाला, मौलिक अधिकार के रूप में घोषित करने वाला पहला राज्य केरल, मौलिक नहीं अधिकार के रूप में, मौलिक मत समझिए, मौलिक अधिकार तो भारत सरकार घोषित करेगी या सुप्रीम कोर्ट घोषित करेगा। इंटरनेट को लोगों का अधिकार के रूप में घोषित करने वाला पहला राज्य केरल, ये बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न आ सकता है। गुजरात का बनासकंठा, गुजरात का बनासकंठा भारत का सबसे बड़ा आलू उत्पादक जिला है, इम्पोर्टेंट है ये, वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा आलू उत्पादक जिला बनासकंठा गुजरात, इससे पहले आगरा था उत्तर प्रदेश का। आसाम द्वारा राज्य के सभी स्कूलों में क्लास 8 तक संस्कृत और कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य कर दी गई, ये इम्पोर्टेंट है। आसाम राज्य द्वारा देश के सभी स्कूलों में क्लास 8 तक संस्कृत और कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। नंदामुरी तारक रामाराव, ये अमरावती हवाई अड्डा के नामकरण चेंज किया गया, ये तो खैर इम्पोर्टेंट नहीं है, आंध्र प्रदेश में अमरावती हवाई अड्डा है जिसका नाम नंदामुरी कर दिया गया, तो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। तिरुपति वाला याद रखिएगा, बहुत मशहूर भी है, तिरुपति में श्री वेंकटेश्वर मंदिर भी है, हवाई अड्डा तिरुपति हवाई अड्डे श्री वेंकटेश्वर हवाई अड्डा नाम रखा गया। ठीक है, तो ये लेक्चर अभी समाप्त करते हैं। करंट अफेयर्स पढ़ा पढ़ा के मैं भी थक गया हूँ, मैं सोचता हूँ आप पढ़ पढ़ के थक गए हैं, क्यों ना जल्दी से ज्योग्राफी और साइंस रिवाइज किया जाए, 10 दिन बचा है तो सोच रहा हूँ दो दो दिन में ये भी कंप्लीट करा दूँ, मतलब रिवीजन कंप्लीट करा दूँ। तो आप लोग एक बार पूरा ज्योग्राफी पढ़ के रखिएगा, कोशिश करूँ मैं आज शाम में ये 1 आवर पूरा ज्योग्राफी का रिवीजन कराऊँ आपको। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।